है साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग आए हैं एक घाटी को दिखाने के लिए साथियों आप लोगों को, जो चक्रधरपुर से रांची के बीच में पड़ता है, जो टेबो घाटी और बंदगांव घाटी का नाम से जाना जाता है। तो साथियों, काफ़ी बड़ा घाटी ये माना जाता है साथियों। तो चलिए साथियों, आगे देखते हैं, आपको दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। काफ़ी बड़ा घाटी इसको माना जाता है साथियों। तो चलिए साथियों, आगे चलते हैं। तो चलिए साथियों, अब देखिए साथियों, ये सीकेपी तरफ से ये रास्ता आया हुआ है, चक्रधरपुर तरफ से। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे, अब धीरे धीरे करके ये रोड अब ऊपर की ओर जाएगा साथियों, पहाड़ की ओर। तो साथियों, चलिए देखते हैं, एक तो गाड़ी आ रहा है साथियों, देखते हैं इसको। साथियों, आप लोग देखते होंगे, चलिए साथियों, अब धीरे धीरे करके ऊपर चलते हैं। तो साथियों, हम लोग कुछ दूर ऊपर आ गए हैं। तो साथियों, देखिए रास्ता कैसे मुड़ा हुआ है। और साथियों, जो आप लोग ऊपर में देख रहे हैं, काफ़ी टॉप में रास्ता है साथियों, पहाड़ का एकदम ऊपर में। तो साथियों, हम लोग जो रास्ता छोड़ के आए हैं, वो रास्ता आप लोग देख सकते हैं, देखिए काफ़ी नीचे में है। तो साथियों, अभी हम लोग कुछ दूर ऊपर आ गए हैं। अब चलिए साथियों, मैं आपको पूरा पहाड़ के ऊपर में लेके चलूँगा, गाड़ी कैसे करके इतना ऊपर चढ़ती है, कितना मेहनत करके ऊपर चढ़ता है, ड्राइवर साहब को कितना मेहनत करना पड़ता है। चलिए साथियों, आगे देखते हैं, जो आगे में काफ़ी ख़तरनाक मोड़ है साथियों, अब देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। तो साथियों, काफ़ी हरियाली है, काफ़ी घना जंगल दिख रहा है साथियों। चलिए साथियों, आप धीरे धीरे करके ऊपर चलते हैं। चलो ठीक है। आप लोटा पहाड़ के सुरक्षित अर्चित जंगल में प्रवेश कर रहे हैं साथियों, नोटिस ये है। साथियों, ऊपर में आप लोग देखते होंगे, काफी घना जंगल है ऊपर में साथियों। चलिए साथियों, अब आगे चलते हैं, इसके आगे में एक तो काफ़ी खतरनाक मोड़ उसको माना जाता है। उस मोड़ को देखते हैं साथियों, उसमें गाड़ी कैसे उधर से होते हुए गुजरता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो साथियों, यहां से रांची 100 किलोमीटर है। यहीं में किनारे तरफ रोकते हैं। तो साथियों, काफ़ी बड़ा घाटी माना जाता है इसको। तो साथियों, ये देखिए गाड़ी आ रहा है, काफ़ी मुश्किल से चढ़ता है साथियों। कितना मुश्किल से चढ़ रहा है साथियों, काफ़ी लंबा घाटी है साथियों, इसको काफ़ी बड़ा घाटी माना जाता है साथियों, झारखंड का। तो साथियों, यहाँ से अब अगर
देखेंगे बाहर। तो साथियों बाहर गांव सब है साथियों, नीचे में काफ़ी नीचे काफ़ी दूर में गांव है साथियों। कहीं यहाँ से अगर गाड़ी उड़ी गिर गया तो सोच सकते हैं उस ड्राइवर साहब और गाड़ी का क्या हालत होगा साथियों। चलिए साथियों और मैं आपको गाड़ी सब कैसे उतरता इस घाटी से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों आप लोग देखते होंगे आपका यहाँ का रोड कैसे मुड़ा हुआ है, देखिए एकदम पूरा राइट में डायरेक्ट मोड़ मोड़ है साथियों। छोटा गाड़ी को भी उतरने में भी काफ़ी तकलीफ हो रहा है साथियों। चलिए साथियों देखते हैं बस टू को कैसे उतर रहा है। तो साथियों आप लोग मोड़ को देख सकते हैं, दो गाड़ी आ गया साथियों हमने सामने। कैसे रास्ता बनाया हुआ है साथियों, मोड़ काफी भयानक मोड़ बनाया है। घाटी को आप लोग देख सकते हैं साथियों मोड़ कैसे बनाया हुआ है। रास्ता देखियो साथियों थोड़ा थोड़ा दूरी में कैसे मोड़ बनाया हुआ है। कब कहां से गाड़ी निकल जाएगा बता नहीं सकते आप। तो साथियों घाटी में जंगल काफी घना है साथियों, अगल बगल काफी पेड़ पौधा है, अब देख सकते हैं आप लोग घना जंगल देख के मजा आ गया साथियों।
तो साथियों, ये सरांडा से ही सटा हुआ है जंगल। साथियों, जो सरांडा जंगल साथियों, जो एशिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है इसको, तो साथियों जहां से हम लोग शुरू किए थे वो देखिए साथियों, नीचे रोड है, काफी नीचे है साथियों, अब देख सकते हैं। चारों तरफ घना जंगल है साथियों। तो साथियों जंगल काफी बड़ा है, काफी घना है साथियों। जंगल काफी अच्छा देखने के लायक है साथियों, पेड़ पौधा काफी अच्छा है साथियों। तो साथियों आखिरकार हम लोग अभी नीचे आ गए हैं। तो साथियों आप लोग देख रहे होंगे, अब हम लोग नीचे आ गए हैं, घाटी का चढ़ाई समाप्त है का बोर्ड आप देख सकते हैं साथियों। साथियों आखिरकार अभी हम लोग टेबो घाटी से नीचे आ गए हैं साथियों, घाटी यहाँ समाप्त होता है और यहीं से शुरू होता है साथियों। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया साथियों झारखंड आके।